कोतवाली क्षेत्र में सेना भर्ती के लिए दौड़ लगाने आए एक युवक के साथ अलग सुबह एक दर्जन से अधिक दबंगों ने बुरी तरह मारपीट की और उसे घायल कर दिया, जिसके बाद उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित की ओर से थाने पर तहरीर दी गई। जिला अस्पताल के आपातकालीन विभाग में उपचार करा रहा यही वह युवक है जो सुबह सेना भर्ती के लिए तैयारी कर रहा था और दौड़ लगाने के लिए घर पर राधारमन रोड पर आया हुआ था। युवक का नाम सुमित कुमार पुत्र राजन सिंह निवासी लालूपुर थाना कोतवाली है। अपने गांव से प्रतिदिन की भांति युवक दौड़ लगाने के लिए आया था, जिसके साथ राधारमन रोड पर करीब एक दर्जन से अधिक दबंगों द्वारा उसे बेरहमी से पीटा गया, जिसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि युवक का छोटा भाई शहर के एक विद्यालय में पढ़ता है, जिसको कुछ लोगों ने परेशान किया था और होली के दिन उनको समझाने का प्रयास किया गया था, जिससे आक्रोशित होकर इन सभी दबंग युवकों ने उसके साथ बुरी तरह मारपीट की, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की ओर से उसका उपचार किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर से थाने पर तहरीर दी गई, जिसमें पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। पीड़ित ने घटना को लेकर क्या कुछ बताया, यह भी सुनिए। सुमित, क्या मामला है, किस वजह से मारपीट की? मेरा छोटा भाई पढ़ता है डॉक्टर के भोजन तो आफ्टर सिक्स मतलब एगो उसे मतलब धमकाया और इसी भगाओं से जब डाउन करता है धमकाया उसे कि मारूंगा तुम्हें, मतलब ये वो, तो उसने मुझे छः महीने तक कुछ नहीं बताया। अभी मैं होली पे घर पे आया था, हरियाणा रहता हूँ, होली पे घर पे आया था तो वो कह रहा था भैया बात करा देना उससे, तो हमने बात की थी उससे, तो माना माना नहीं कि मैं मारूंगा तुम्हें, तो अभी उसने मुझे देख लिया आज अकेले, मारपीट शुरू कर दी। कहाँ पे? यहीं पे लोहिया बाद से आगे मैं रनिंग जाता हूँ फिर करज चौरा तक, तो यहीं मिल गया। तो वो मुझे ये है दया निधि करके कोई हॉस्पिटल है। जानते किसी को, किसने मारपीट की? हाँ, क्या नाम है? नीतू यादव, अकेला था वो कोई और है, कृष्णा नगर का है। कितने लोग थे मारपीट के साथ? अननोन बंदे थे, लगभग 15 से 20। कैसे पीटा आपको? पीटा बेल्टों से, हॉकी से, लोहे की रॉड, सरिया। अच्छा, विवाद तुम्हारे भाई से था? धमकी भी दे रहा था कि मतलब तुझे मार दूंगा आज, तू बर्तन ले ही नहीं पाएगा। विवाद तुम्हारे भाई से था? हाँ, छोटे भाई। तुम्हारे साथ क्यों मारपीट की? मतलब मैं उसे समझाने गया था ना होली पे, तो इस चक्कर में उसने आज मुझे देख लिया, भाई को तो नहीं देखा। कब की घटना, क्या बजे की है? कितने बजे की घटना? सुबह 5 बजे। कहाँ रहते थे? मैं तो अलीपुर रहता हूँ।